बोलो बम बम भोले भोले बम बम भोले भोले बम बम भोले भोले बम 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 भोले भोले बम बम भोले भोले बम बम भोले भोले बम 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 भोले भोले बम बम भोले भोले बम बम भोले भोले बम बम। कोटा के विज्ञान नगर इलाके में स्थित प्राचीन अमलेश्वर शिव मंदिर में पुलिस पहरे में पूजा सम्पन्न हुई। भक्तगण जुलूस के रूप में नाचते गाते शिव मंदिर पहुँचे। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस जाप्ता मौजूद रहा। पूजा शांतिपूर्वक संपन्न हुई। दरअसल कोटा के विज्ञान नगर इलाके में 100 साल पुराना प्राचीन शिव मंदिर है। फिलहाल यह इलाका मुस्लिम बहुल अमन कॉलोनी के रूप में विकसित हो गया है। 4 साल पहले हिंदू संगठनों द्वारा इस मंदिर की सार संभाल शुरू करने पर स्थानीय मुस्लिमों ने आपत्ति जताई थी। इस पर इलाके में काफी तनाव हो गया था और प्रशासन व पुलिस की मौजूदगी में और दो विधायकों भवानी सिंह राजावत व संदीप शर्मा की मौजूदगी में पूजा करवाई गई थी। इसके बाद से ही धार्मिक संवेदनशीलता को देखते हुए हर शिवरात्रि पर पुलिस और प्रशासन काफी चौकस रहते हैं। इस बार भी एडिशनल SP राजेश मील, ट्रेनी IPS अमृता दुहन, उपाधीक्षक भगवत सिंह हिंगट, राजेश मेश्राम सहित कई थानों के CI और भारी जाप्ता मौजूद रहा। बजरंग दल के प्रांत सह संयोजक मुकेश जोशी ने बताया कि पिछले 40 साल से यह मंदिर उपेक्षित रहा और इसकी कोई सार संभाल नहीं हो रही थी, लेकिन विगत 4 साल से यहां हर शिवरात्रि पर पूजा होती है। अब मुस्लिम समुदाय के लोग भी सहयोग करते हैं। पट्टी से भोले से मिलवा दूंगा, इतना क्या सोचे है पागल, जन्नत की दिखला दूंगा। टर्मिनेटर भोला मेरा, दुनिया करते रात सारी, हमसे ना टकराना, हम तो महाकाल के ठहरे पुजारी। निकाला मुँह से धुआं शिला मर गांजे का, अब हर बस्ती गांव में गाना यही बाजेगा। आधी आधी रात मैंने खींचे है दम, मुँह से है निकले धुआं भोले बम बम। बोलो बम बम भोले भोले बम बम भोले भोले बम बम भोले भोले बम 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 भोले भोले बम बम भोले भोले बम बम भोले ये शिव अभिषेक अमलेश्वर महादेव मंदिर पर आकर के किया है। विगत 100 वर्ष पुराना मंदिर है ये। लगभग 40 वर्षों से इस मंदिर पर ताला लगा हुआ था, क्योंकि यहाँ पर कोई पूजा करने के लिए नहीं आता था, इसलिए ये ताला रह गया। पर 40 वर्षों से ताला चला रहा था। पिछले 4 वर्ष पहले हमें पता चला कि इस मंदिर पर कोई पूजा नहीं होती है। हमने जब आकर के यहाँ की स्थिति देखी तो बहुत कचरा गंदा हो रहा था। यहाँ के रहवासियों से बात की, उन्होंने कहा हमें पूजा से कोई आपत्ति नहीं है, तो उनके सहयोग से इस मंदिर की साफ सफाई हुई, पुताई हुई, और पिछले 4 वर्षों से इस मंदिर पर निरंतर पूजा हो रही है। यहाँ के निवासी उस पूजा का स्वागत भी करते हैं और हम भी सौहार्दपूर्वक वातावरण से इस मंदिर पर आते हैं
वर्ष में एक बार इस मंदिर की पूजा होती है शिवरात्रि के दिन। भगवान की ऐसी चमत्कारी मूर्ति है, आज अभी हमने आकर के शिव बरात के रूप में चमत्कारी हनुमान मंदिर से निकले और पूरे रास्ते में स्वागत हुए, हिंदू समाज ने स्वागत किया, यहाँ के समुदाय विशेष के लोगों ने भी हमारा स्वागत किया और हम अंदर आए। अंदर आकर के हमने रुद्राभिषेक अभी शिव भगवान का किया है और अभी दर्शन खुले हुए हैं। ये दर्शन निरंतर खुले रहेंगे जहाँ तक सब दर्शन नहीं कर लेते हैं और उसके बाद में ये मंदिर वापस पुनः बंद हो जाएगा। वर्ष भर में एक बार मंदिर खुलता है शिवरात्रि के दिन। नाम बता। मुकेश जोशी, बजरंग दल का प्रांत सहयोगी।